तो मैंने सोचा था पहले कि मैं राम राम बोलूंगा तो वो भी किसी ने बोल दिया, फिर राधे राधे बोलूंगा वो भी किसी ने बोल दिया, तो मैं नया बोलता हूँ, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सबने अपना अपना सुनाया कि किसी ने माता पे लिखा है, किसी ने पिता पे लिखा है। तो देखिए मैंने कागज पे लिखा है, कलम लिया है, कागज पे लिखा है और फोटो खींच के मैं लाया हूँ जिसको पढ़ूंगा। तो एक गजल फिर कुछ शेर, गजल सुनिएगा कि सफर साथ करूं किसी के या अकेले करूं, कि सफर साथ करूं किसी के या अकेले करूं, मुझे अपनी मंजिल पानी तो है, कि सफर साथ करूं किसी के या अकेले करूं, मुझे अपनी मंजिल पानी तो है, जिस उम्र में किस्मत मोहब्बत मिलती बिछड़ती है, सब जानते हैं वो उम्र जवानी तो है। और नशा तो जिस्म में होता है जो जाग जाता है, वरना ये शराब क्या है, पानी तो है। और अच्छा हुआ यारो कि मैंने भी मोहब्बत कर ली, मैं कल ना रहूं तो मेरी कुछ निशानी तो है। और अपने हर किरदार को खुलकर जिया करो, ये जिंदगी क्या है, रंगमंच पे चल रही एक कहानी तो है। सफर साथ करूं किसी के या अकेले करूं। कुछ शेर सुनिएगा कि जो कल तक खुश न थे मेरे किसी भी काम से, जो कल तक खुश न थे मेरे किसी भी काम से, वो भी करने लगे हैं इश्क मेरे नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल तक खुश न थे मेरे किसी भी काम से, वो भी करने लगे हैं इश्क मेरे नाम से। बड़े दिन बाद आया फोन उनका, खुश हुए हम, मगर वो फोन भी आया तो सिर्फ काम से। तो कुछ और शेर है सुनिएगा कि जिंदगी रेत की तरह है, जिंदगी रेत की तरह है, कितना भी कसके पकड़ो वक्त आने पे हाथों से छूट जाती है। जिंदगी रेत की तरह है, कितना भी कसके पकड़ो वक्त आने पे हाथों से छूट जाती है। और खुशियां रात के ख्वाब की तरह है, मगर सुबह उठो तो ख्वाब टूट जाती है। ऊपर वाले अब कुछ तो अच्छा या बुरा मेरे भी नाम कर दे, ऊपर वाले अब कुछ तो अच्छा या बुरा मेरे भी नाम कर दे, या तो ख्वाब पूरा कर दे या फिर नींद हराम कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सुनिएगा कि लोग कहते हैं दुनिया गोल है, बिछड़े हुए मिल जाते हैं फिर बाद में, तो उस पर कुछ लिखा है कि कुछ बातें अभी भी याद हैं, कुछ बातें गए हम भूल, कुछ प्यार भरे खत रखे हैं, कुछ बिखरे हुए से फूल, लेकिन इन सब बातों का, यादों का, दुनिया के नजर में कोई मोल नहीं है। बिछड़े मुसाफिर कभी मिलते नहीं हैं, सच पूछो तो दुनिया गोल नहीं है। एक और सुनिए कि सोचा था सब है पराया, तू ही एक अपना है, सोचा था सब है पराया, तू ही एक अपना है, पर किस्मत तो देखो महाराज ये भी एक सपना है। कुछ और से सुनिएगा, अभी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, सक्सेसफुल रहा, बहुत खुशी की बात है। तो मैंने अब्दुल कलाम सर के बारे में कुछ लाइन लिखी थी कि मैंने रिश्तों को जंजाल बनते देखा है, मैंने चादर को फटफट रुमाल बनते देखा है, और जब सब लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम पे, मैंने एक लड़के को मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बनते देखा है। ये सुनिएगा कि भटकते हुए मुसाफिरों के लिए एक सुकून का ठिकाना है, भटकते हुए मुसाफिरों के लिए एक सुकून का ठिकाना है, तेरा घर घर नहीं, हम दिल के मरीजों के लिए दवा खाना है। और एक शेर लिखा है प्रभु श्री राम पे, सुनिएगा कि जिसे इंसानियत के बारे में मालूम कुछ नहीं, वो भी मजहब के नाम पर जहर घोल रहे हैं, जिसे इंसानियत के बारे में मालूम कुछ नहीं, वो भी मजहब के नाम पर जहर घोल रहे हैं, और जिंदगी भर जिसने छुए नहीं माँ बाप के चरण, वो भी श्री राम के बारे में गलत बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर मैंने कविता छोटी सी भाई के लिए लिखी थी अपने,
मेरा भाई जिस भी लड़की को देखता है उसको पसंद आ जाती है वो, तो उस पर मैंने लिखा था कि जो हम इस जमाने से रूठ जाएंगे यकीन मानो एक साथ कई दिल टूट जाएंगे, जो हम ना रहे तो उन सबके जवानी का क्या होगा, दो चार नई तीन चार पुरानी का क्या होगा, हमारे बिन वो अब किसका दीदार करेंगी, अभी तो कई और नई हमसे प्यार करेंगी। लोग कहते हैं मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए भाई, लोग कहते हैं मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, मगर मेरा मानना है मैं सबको मौका दे रहा हूँ। और अंतिम कुछ पंक्ति सुनिएगा कि जिंदगी मिली है तो क्यों ना इसको खुलकर जिया जाए, दिल इतना बड़ा है थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाए, चार शंबर हट है भाई। और जब इतनी सारे बोतलें रखी हैं मैखाने में तो जाम सिर्फ एक से ही क्यों पिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।